हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास रिड्यूस रो इक्विलियन फॉर्म। बेसिकली रो इक्विलियन फॉर्म का सेकंड वर्जन है रिड्यूस रो इक्विलियन फॉर्म। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर इन चार प्रॉपर्टी कौन सी है, जिनमें से दो प्रॉपर्टी जो होती है रो इक्विलियन फॉर्म। रो इक्विलियन फॉर्म की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी P1 जो प्रॉपर्टी थी वो थी हमारे पास, ये हमारे पास मैट्रिक्स की जो जीरो और जीरो मैट्रिक्स जीरो रो है वो सबसे नीचे होनी चाहिए, उसके ऊपर ही नॉन जीरो रो होनी चाहिए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। P2 जो थी, P2 प्रॉपर्टी जो थी वो थी हमारे पास कि हमारे पास कोई भी हमारे पास लीडिंग एंट्री जो होगी उसके नीचे वाले एलिमेंट, नीचे वाली एंट्री जो वो जीरो होनी चाहिए। या उसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते थे कि अगर यहाँ पे एक जीरो एंट्री है तो उसके वाले नीचे वाले पार्ट जो होने चाहिए वो जीरो होने चाहिए, और इसकी नॉन जीरो एंट्री जो ऊपर वाली जो रो है उसकी नॉन जीरो एंट्री जो है वो इससे पहले एंटर करनी चाहिए। तो इस तरह से हम, ये P2 था, और P3 है हमारे पास द लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज अ वन। यानी जो लीडिंग एंट्री जो होनी चाहिए अब वो वन होनी चाहिए। एक ये ऐड हो गया, 4 है हमारे पास। ऑल द एंट्रीज अबव एंड बिलो इज लीडिंग आर लीडिंग वन आर नॉन जीरो। यानी जो लीडिंग जो वन है उसके ऊपर की एंट्री और उसके सो नीचे की एंट्री एंड उसके ऊपर की एंट्री, जैसे इसमें ऊपर की एंट्री ये जीरो होनी चाहिए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं RREF, यानी कि रो रिड्यूस रो इक्विलियन फॉर्म। आर लीडिंग वन इन द RREF ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड पिवट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें हम जैसे बात कर रहे हैं इस मैट्रिक्स में, तो इस मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो ये लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री ये है हमारे पास, ये है, ये है। अब अगर हम देखें तो इसके जो नीचे वाली टर्म है वो जीरो है, इसके नीचे वाली टर्म जीरो है, और अगर इसकी जो नॉन जीरो एंट्री है वो इधर से स्टार्ट हो रही है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक इक्विलियन फॉर्म है। अब देख रहे हैं हम रो इक्विलियन फॉर्म। तो रो इक्विलियन फॉर्म की बात करें तो रो इक्विलियन फॉर्म यानी कि इसके वन जो एंट्री है, वन तो पहले एंट्री जो होनी चाहिए वो वन से होनी चाहिए। तो वन जो है एंट्री लीडिंग फैक्टर है, इसमें भी वन लीडिंग फैक्टर है, इसमें भी लीडिंग एंट्री है, तो ये वन है। इसके नीचे वाली जीरो होनी चाहिए। अब इसके नीचे की एंट्रीज एंड इसके ऊपर की एंट्रीज जो है वो जीरो होनी चाहिए। इसी तरह इसके ऊपर की एंट्रीज, क्योंकि नीचे तो कोई एंट्री है नहीं, ऊपर की एंट्री जो है जीरो होनी चाहिए, तो ये जीरो है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है रिड्यूस रो इक्विलियन फॉर्म में है। अब इसके थ्री पोवाइट्स, प्रोपोवाइट किसने कितने, 1, 2 एंड 3, ये जो है, ये वन जो है वो पोवाइट कहलाते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। यूज रो रिडक्शन टू ट्रांसफर द मैट्रिक्स इनटू RREF। तो ये हमारे पास रो रिडक्शन की हेल्प से। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी है कि यहाँ पे नॉन जीरो रहे। तो नॉन जीरो रहने के लिए क्या करना होगा, हमें किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी इसको, या तो इसको या इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे R3 और R1 को इंटरचेंज कर लिया, यानी इसको या तो इसे चेंज कर सकते थे हम, या इसको इससे चेंज कर सकते थे, अपनी मर्जी थी, बट हमने यहाँ पे R3 और R1 को इंटरचेंज कर लिया। तो R3 एंड R1 को इंटरचेंज कर लिया तो, और R2 को सेम रखा, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास देखें तो इसका हमारे पास जीरो बना सकते हैं इसको। पहले तो यहाँ पे इसको क्या, एंट्री को वन बनाना है, क्योंकि लीडिंग एंट्री को हमें वन बनाना होता है। तो लीडिंग एंट्री को वन बनाने के लिए हमने इसमें 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस 3, और ये हमारे पास लीडिंग एंट्री इसकी वन हो चुकी है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे जीरो बनाना है। तो यहाँ पे जीरो बनाने के लिए हमें सिंपली R2 को कन्वर्ट करना होगा R2 माइनस 3 R1 से, क्योंकि 3 माइनस 3 R1, 3 R1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमने ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने पे ये वाली एंट्री आ जाएगी। अब अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर ये एंट्री होती है तो यहाँ पे वन होना चाहिए। तो वन होना चाहिए तो हमने 1/2 से डिवाइड कर लिया, तो 1/2 से डिवाइड करने पर ये एंट्री आ गई। अब हमारे पास क्या चाहिए, ये टर्म जो है वो जीरो होनी चाहिए। तो ये टर्म जीरो होनी चाहिए, तो इसका मतलब, सॉरी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये टर्म जीरो होनी चाहिए, ये वन हो चुका है, तो अब ये टर्म जीरो होनी चाहिए। तो R3 क्या कर सकते हैं हम, R3 माइनस 3 R1, सॉरी R2।
तो ये हो गया, यहाँ पे भी R3 माइनस 3R2 ये अप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ऑटोमेटिकली 1 आ गया है। अगर 1 नहीं आता तो उसको हम 1 बनाते डिवाइड करके। अब इसको देखें तो अब अभी से ये हमारे पास बेसिकली रो इक्वलियन फॉर्म में है, बट ये रिड्यूस नहीं है, क्योंकि अगर देखें 1 के नीचे की एंट्री नॉन जीरो है, बट इस 1 के ऊपर एंट्री क्या है, वो जीरो एंट्री नहीं, नॉन जीरो नहीं है। इस तरह से इसके ऊपर की एंट्री जो है वो नॉन जीरो नहीं है, तो अभी हमें इन एंट्रीज को भी जीरो बनाना है। ये नॉन जीरो एंट्रीज है, इनको भी हमें जीरो बनाना है। तो इसके लिए जीरो बनाने के लिए पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड रो के लिए, थर्ड रो पे बात कर रहे हैं हम, थर्ड रो पे -R3 +R2 कर दिया हमने, तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म जो है वो जीरो बन चुकी है। अब हमारे पास ये टर्म जीरो बन चुके हैं, तो अब हमें क्या क्या जीरो बनाना है, ये जीरो बनाना है और ये जीरो बनाना है। तो ये इनको जीरो बनाने के लिए अब हम यूज कर सकते हैं R1 को चेंज कर सकते हैं, R1 को चेंज कर सकते हैं हम 2 को जीरो बनाने के लिए, मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा R3 2R3 -R1। अगर ये करते हैं तो हमारे पास ये जीरो बन जाएगा, तो ये करने पे हमारे पास ये टर्म भी जीरो हो गए, तो ये चेंज हो गया। अब हमें 3 को जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने के लिए हम सिंपली R1 को चेंज करना होगा, हमें R1 को वो हो जाएगा R1 +3R2, ये अप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी हमारे पास जीरो बन जाएगी। अब इस आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एबव एंट्री बिलो एंट्री जीरो है, इसके एबव एंट्री जीरो है, तो यहाँ से इस मैट्रिक्स को कह सकते हैं ये मैट्रिक्स जो है वो RREF फॉर्म में है, रिड्यूस रो इक्वलियन फॉर्म में है। तो बस इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यूज रो रिडक्शन टू सॉल्व द लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, मैं सॉल्व करके इसको नहीं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ अ सॉल्यूशन, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन।